जय आरसीएम। दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि 84 लाख जोनी के बाद ये मानव जीवन मिलता है। पूरे विश्व में जो हमारा ये महामारी चल रहा है, दुनिया का हर एक क्षेत्र पीछे जा रहा है और जिस सिस्टम में हम लोग हैं उस सिस्टम के सारे प्रोडक्ट जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है, हमारी सारी खाद्य आपूर्ति, जरूरत की चीज़ें जिसकी जरूरत है, इंडिया का प्रोडक्ट हो और इंडिया का प्रोडक्ट यूज करके हम जो अपनी वित्तीय स्थिति को या जो नीचे जा रहा है उसको रोकने का एकमात्र साधन है कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो, हमारे सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंडिया का यूज करने के बाद हम इस आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। बहुत खुशनसीब हैं हम लोग कि आज के डेट में हमारे पास इंडिया का प्रोडक्ट हमारे बीच है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, और जो सरकार कह रही है, जो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो बात आज से करीबन 20 साल पहले हमारे टीसी जी ने बोल दिया हम लोगों को कि हमें अगर अपने भारत को आर्थिक रूप से अगर आजाद कर सकते हैं तो हम जो प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयारी अपने सिस्टम में किए हैं, इंडिया की हर लोगों की जरूरत को जो लेके आए हैं, यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप पूरे भारत को आर्थिक रूप से आजाद कर सकते हैं। 20 साल के बाद, ऐसे महामारी के बाद हमारे देश के राजा बोलते हैं कि अगर अपने भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो जैसे लॉकडाउन खत्म होता है पूरे हिंदुस्तान को एक बहिष्कार करना है कि विदेशी सारे प्रोडक्ट को छोड़ देना है और इंडिया के सारे प्रोडक्ट को यूज करना है। हमारे पास आरसीएम बिजनेस है दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं कि 84 लाख जोनी के बाद हमें मानव जीवन मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। तो कहा जाता है मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है दोस्तों। हमारा सौभाग्य बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है कि हम जो 20 साल के बाद देश के राजा बोल रहे हैं, जो 20 साल के बाद लोगों की सोच में आई है, थैंक्स करते हैं हम अपने टीसी छावड़ा को, जिन्होंने आज से करीबन 20 साल पहले ही कह चुका है कि अगर पूरे भारत को आर्थिक रूप से आजादी कोई दिला सकता है सिस्टम है आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भिलवाड़ा की कंपनी है, और टीसी छावड़ा 20 साल पहले कर चुका है दोस्तों। तो थैंक्स करें इस मानव को जो धरती पर पैदा लेके इस सिस्टम को पैदा किया 2000 में, और 2020 में वो वक्त वो समय हमारे देश के राजा बोलते हैं कि अगर अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो एकमात्र साधन है जो अपना प्रोडक्ट, इंडिया की प्रोडक्ट और इंडिया की प्रोडक्ट को यूज करना है साहब। दोस्तों, ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला जाता है इंडिया का प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे, और कौन सा प्रोडक्ट, जो भारत सरकार को टैक्स देके पूरे विश्व में एक रेट में सारे जरूरत का सामान हमारे पास अगर है, उसको अगर आप यूज करते हैं तो भारत के एक एक जनता, भारत के एक एक व्यक्ति, मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अगर आप अपने देश का प्रोडक्ट यूज करते हो तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था ठीक होता है। उसका मात्र एक कारण है, अगर 125 करोड़ जनता, अगर 125 करोड़ जनता एक केवल आरसीएम का नमक यूज करता है, 1 किलो नमक में भारत सरकार को 1 रुपया भी टैक्स देता है, तो 1 दिन के अंदर में भारत को 125 करोड़ रुपया केवल एक नमक से जा सकता है, और हमारे पास 750 प्रोडक्ट है। सोच सकते हैं आप, विचार कीजिए कि एक आम से आम, एक खास से खास व्यक्ति अगर इस प्रोडक्ट को यूज करता है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भारत सरकार के, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है ना वो टैक्स पेबल है। 1 रुपया पाउच का शैंपू भी जिसको भारत सरकार को टैक्स जाती है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा की जो कंपनी है, टीसी छावड़ा जो है, हर एक साल हर एक प्रोडक्ट का, चाहे वो अगरबत्ती हो या 1 रुपया पाउच का शैंपू हो या नमक हो, सारे प्रोडक्ट का भारत सरकार को टैक्स जाता है दोस्तों। अगर 125 करोड़ जनता जिस दिन समझ गया
प्रधानमंत्री की बात जो बोला गया, जिस दिन समझ गया इंडिया का प्रोडक्ट यूज करना है और इंडिया का प्रोडक्ट यूज करने से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में सेटिस्फाइड करेगा आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करने से पूरे भारत का अर्थव्यवस्था ठीक हो सकता है। दोस्तों इसको मानिए, मैं नहीं बोल रहा, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। आज विदेश से प्रोडक्ट जो आता है जिसको टैक्स सरकार विदेश लेके चला जाता है, मैं आपको बता दूं अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात मानना पड़ेगा। और यह बात आज से 20 साल पहले टीसी छाबड़ा जी बोल चुके हैं कि हम आर्थिक आजादी के अभियान में काम करते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है, सोचने की बात है, यह गंभीर स्थिति है। आप अकेले में बैठ के विचार करो, अकेले में सोचो कि जब भारत के एक एक जनता आरसीएम की अगरबत्ती से भगवान का अल्लाह का गुरुद्वारा में सब जगह पूजा करेगा और एक दिन में जितने अगरबत्ती जलेंगे, एक व्यक्ति अगर एक अगरबत्ती लेता है, अगर उसका एक पैसा भी सरकार को जाती है, एक पैसा टैक्स के रूप में एक पैसा भी जाती है, तो आप सोच सकते हो 125 करोड़ जनता 125 करोड़ पैसा एक अगरबत्ती से भेजेगा। दोस्तों सुबह जगने के बाद जैसे पेस्ट यूज करता है, अगर जिस दिन पूरा भारत आरसीएम का पेस्ट यूज करना शुरू कर देगा तो सुबह जगेगा और जैसे जगेगा तो 125 करोड़ रुपया केवल दांत में पेस्ट लगाने से भारत सरकार को टैक्स जाएगा। दोस्तों आप सोचो, जब भुजिया खाएगा, जब दालमोट खाएगा, जब पापड़ खाएगा, जब कपड़ा पहनेगा, जब टाई लगाएगा, जब कलम यूज करेगा, एक रुपया पाउच का शैंपू यूज करेगा, आप सोचो एक आम आदमी अगर सुबह से शाम तक 750 प्रोडक्ट यूज करता है, चाहे एक व्यक्ति मरने के बाद श्मशान या कब्रिस्तान जाता है फिर भी अगरबत्ती की जरूरत होती है। मेरा कहने का मतलब है हरेक इंसान जिस दिन सोच लेगा कि इंडिया का प्रोडक्ट यूज करेंगे और जिस दिन लागू कर देगा विदेश का प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको एक बात आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे भारत का सर्वे रिपोर्ट बोलता है हमारे देश में 80% लोग गरीब तबके के लोग हैं और हमारे सिस्टम के आरसीएम बिजनेस में सारा प्रोडक्ट इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी, इंडियन रेट में प्रोडक्ट बनता है। इंडियन की जो मांग है, डिमांड है 85 लोगों का, वो सारा प्रोडक्ट मेरे पास है। सोचो, विचार करो कि जिस दिन ये केवल लागू कर देगा, यही एकमात्र सिस्टम है, यही मात्र एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम पूरे भारत को आर्थिक रूप से आजाद कर सकते हैं, तो दोस्तों खुश नसीब है हम लोग और थैंक्स करें अपने आप को, पीठ थपथपाओ अपने आप को शाबाश, जो 20 साल के बाद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उस सिस्टम को आज से कोई 5 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 2 महीना पहले, कभी 2 दिन पहले इस सिस्टम को उन्होंने अपने सिस्टम में लागू करके अपने यहां प्रोडक्ट ला चुका है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर कोई कर्ज उतारने वाला काम करता है तो सारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। दोस्तों गर्व करो कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करते हैं। दोस्तों हर एक बातें सोचने योग्य है, वक्त आ गया है सोचने का, वक्त आ गया है समझने का। आप सारे लोग जानकार हैं, मैं केवल उस जानकारी को थोड़ा सा और अंदर से आग लगा के बताना चाहता हूं कि हम जहां पर हैं सुरक्षित हैं, हम जहां पर हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम सेहत से सुरक्षित हैं, हम देश के हित में काम करने जा रहे हैं, हम सेहत के हित में काम करने जा रहे हैं, हम अपने परिवार के हित में काम करने जा रहे हैं। जो पूरा विश्व एक दिन बोलेगा आरसीएम में जो भी व्यक्ति आया उन्होंने भारत को टैक्स देके एक पाउच शैंपू और 1 किलो नमक और सारा प्रोडक्ट यूज करता है, सबसे गर्व की बात है। हिंदुस्तानी होने का सबसे गर्व फक्र होगा आने वाले कुछ दिनों के बाद। दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे घर में अपनी दुकान का कितना बड़ा महत्व है। टीसी छाबड़ा जी हर वक्त बोलते हैं कि सब कोई अपना दुकान खोलो, अपनी दुकान अपनों के लिए। विचार करने वाली बात है कि अपनी दुकान क्या कर सकता है आपको। दोस्तों आज आप देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, जिनके पास ये स्टॉक आज से लॉकडाउन पहले जो 20,000-30,000 का रखा होगा, आज उनको खुशी होगी कि लॉकडाउन हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास तो 2-4 महीना का प्रोडक्ट रखा हुआ है। जिसका घर में रखा हुआ है वो इधर से उधर नहीं जा रहा है, वो अपने घर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अपने बगल वाले को भी दे रहा है। अपनी दुकान का सबसे बड़ा खासियत मैं बताता हूं, फायदा क्या हुआ आज के डेट में लॉकडाउन में, साबित कर दिया कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को,
हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक लीडर को ये करना चाहिए और अपने टीम में लोगों को बताना चाहिए कि सारे लोग अपने घर में एक दुकान रखो, जिसका नाम टीसी छावला ने रखा अपनी दुकान अपनों के लिए। अच्छा आप बताओ, अगर आपके घर में पेस्ट अगर आप रखे होंगे 2-4-5 पीस, तो आपका पेस्ट आपके घर में आपके सिस्टम का चलता होगा। लेकिन अगर आपने एक ही जोड़ा पेस्ट घर में जो यूज करता होगा, आज कितने लोगों का पेस्ट खत्म हो चुका होगा, मैं गारंटी बताता हूं। या तो वो दत्तवन करता होगा, या तो कोई कोई कॉलगेट या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता होगा। अपने दिल से पूछो, टीसीजी ऐसे वैसे इंसान नहीं है। अगर टीसीजी ने कहा है अपनी दुकान अपनों के लिए, इसी विषम परिस्थिति के लिए बोला गया है। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सुखाड़ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास रेडी स्टॉक रहेगा तो कम से कम कुछ दिन के लिए आप कम से कम इधर से उधर भटकोगे नहीं और दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। क्योंकि अपने पास जो भी प्रोडक्ट है 100% प्योर, रोज बात करते हैं प्योर 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 100% प्योर 100% प्योर, कोई शंका करने की बात नहीं है। तो ये प्योर प्रोडक्ट आपको मिलता है। और अगर आप गलती से स्टॉक नहीं रखते हैं और विषम परिस्थिति आज के डेट में लॉकडाउन का स्थिति में ऐसा आ गया, आज आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपको आज एहसास होता होगा कि हमारे अपलाइन ने कहा था अपनी दुकान खोलो, अपलाइन कहा था अपनी दुकान खोलो, कंपनी के मालिक टीसी छावला ने बोला था अपनी दुकान रखो, अगल बगल के लोग बोला था, क्रॉस लाइन बोला था, सबको ही बोला था अपनी दुकान रखो, अपनी दुकान का बहुत बड़ा फायदा है। तो आज एहसास करता होगा वो व्यक्ति, जो रखा होगा उसको खुशी मिलती होगी, जो नहीं रखा होगा वो अफसोस करता होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, हम आपको कहना चाहते हैं अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। आप अगर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हो, जल्दी दुनिया से जाने वाले भी नहीं हो, क्योंकि आप प्योर खाने वाले हो और प्योर व्यक्ति हो। आपकी उम्र आम आदमी से जरूर 10 साल ज्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, सारे लोग अपनी दुकान 100% शपथ लें। आज जितने भी लोग लाइव हैं, शपथ लें कम से कम अपने घर में अपनी दुकान रखें, उसका एक बोर्ड बनवावे, अपने गेट पर लगावे, अपने जानकार अपलाइन को बुलावे, कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा जितना मन करे। आप याद रखिए, अपनी दुकान का एक फायदा। दूसरा फायदा, अगर आपके बगल में 10 लोग हैं और अचानक किसी के घर में मेहमान आ गया 11 बजे रात में, अब उनके घर में तेल खत्म हो गया, वो अपनी दुकान आपके बगल में देखा है, भले वो पड़ोसी आपसे बात नहीं करता हो, लेकिन 11 बजे रात में मार्केट में नहीं जाके अपना छोटा सा नन्ना सा बच्चा को बोलेगा, बेटा जाओ अंकल के घर में, बोलना क्या अंकल तेल है, क्या अंकल आपके घर में आटा है, क्या अंकल आपके घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे वेजिटेरियन मीट यानी कोई सब्जी नहीं है, तो वो दौड़ के आएगा और आपके घर में रहेगा। तो वो प्रोडक्ट जब जाएगा आरसीएम का हेल्थ गार्ड वायर, एक तो एक जो व्यक्ति ले गया वो खाएगा, और जो व्यक्ति 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर से उसका मेहमान आया है, उस दिन जब खाना खाएगा और सुबह जब जगेगा तो वो जरूर पूछेगा, रात में जो खाना बना था किस तेल में बनाए थे, रात में जो वेजिटेरियन मीट बना था मीट की तरह लगता था वो चीज था क्या, आपके घर में प्रोटीन भरी है उसके घर में नहीं है, अगर वो जाएगा तो पूछेगा सुबह ये प्रोटीन भरी है क्या। तो ये आरसीएम का अपनी दुकान आपके ग्राहक बढ़ाने में भी काम करेगा और बगल के लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट भी करेगा, उनकी बेइज्जती को बचा सकते हैं आप, और फिर जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करता था वह कल आपका आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों अपनी दुकान का एक फायदा नहीं है, अपनी दुकान का लाखों लाखों, मैं यूं कहूंगा अपनी दुकान जो रख लिया और जो लगातार 5 साल तक अपनी दुकान को रख लिया, 20,000 प्रोडक्ट पर मंथ अपने घर में रखा, तो आने वाले समय में जो आम लोग फील्ड में जाके काम करके आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनते हैं, केवल मात्र आप अगर अपनी दुकान सुचारू रूप से खोलकर और अपनी दुकान का एक मोहर लगा के एक बोर्ड बना के अगर लगा दिया, मैं गारंटी बताता हूं, अगर कुछ भी नहीं किया, अगर केवल अपनी दुकान के प्रोडक्ट को यूज करता रहा, लोगों के सामने दिखाता रह गया, तो मैं गारंटी बताता हूं आने वाले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर नजर आएंगे। उसका एक हिसाब है, एक गन्ना है, मैंने किया है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अपनी दुकान
हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में होना बहुत 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 जरूरी है। आप देखिए अभी तुम्हें यहां पर जो सामान आपके पास रखा हुआ, कम से कम मिनिमम 50,000 का, मैक्सिमम कितना होगा पता नहीं है। मेरे पास प्रोडक्ट आता है दोस्तों, 5 लीटर का डब्बा कम से कम 10 तो हर वक्त रहता है। हेल्थ गार्ड का 1 लीटर पाउच वाला, वो हर वक्त 2-4 डब्बा रहता है। आप देखे, मैं आपको अगरबत्ती की बात करूं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये जो धूप है, मेरे मोहल्ला में महीना का 200 पैकेट यू बिक जाता है। कहते वो वाला धूप जो 9 रुपया वाला है ना आपका, 10 रुपया हम जो देते हैं, वो गजब का है। मार्केट में वही 25 रुपया में देता है। इसका खुशबू इतना सुंदर है, इसका सेंट इतना सुंदर है, मेरे घर में मेरी बच्ची मेरी पत्नी अगर भगवान का आरती लगाता है तो इसी धूप से लगाता है। और इसका डिमांड इसलिए हो गया, जो भी लोग आते हैं कहता बड़ा खुशबूदार अगरबत्ती है, तो वो बताती है मेरी मैडम, मेरी बेटी, मेरा बेटा कहता है कि हमारे घर में अगरबत्ती नहीं, ये धूप जलाते हैं। मानिए इस बात को, अपनी दुकान का यह सब फायदा है, अपनी दुकान का यह सबसे बड़ा फायदा है आपका। अगर आप अपनी दुकान का ओपनिंग कराना चाहते हैं तो किसी न किसी जानकार, अपलाइन रॉयल्टी अचीवर हो, रनर विनर हो, लीडरशिप अचीवर हो, अगर नहीं हो आपने हमें फोन करो। अगर आप 30,000 से ऊपर में ओपनिंग करते हो, जब कहोगे तब मैं आपको समय दूंगा ओपनिंग करने के लिए। मेरा मानिए, अपनी दुकान का इतनी बड़ी फायदा है। इस लॉकडाउन में मैं अपने मोहल्ले में 400 पीस, जैसे लॉकडाउन हुआ, हाथ धोने की बात आई, फिनाइल की बात आई, तो जितना लोकल पिकअप सेंटर था सारा का सारा बिल कटवा के सारा माल ला लिया। 400 पीस हैंड वॉश और लगभग 150 पीस मात्र मिला फिनाइल, और पाउच वाला जो था वो लगभग 150 पीस मिला। और जानते हो सबसे खुशी की बात, मैं कैसे बेचा उसको? पहले मोहल्ला में घूम घूम के सबको बताया, घूमने जाता था, हाथ धोने का है पहले तो, क्योंकि भारत सरकार ने लागू कर दिया कोई व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो पहले हाथ धोना है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा करके लोगों को बताया, बोला नहीं है, कहां मिलेगा, दुकान साफ, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, हैंड वॉश नहीं मिल रहा है, फिनाइल नहीं मिल रहा है। तो जिस दुकान से चावल लाते थे हम, उस दुकान में बोला कि सर आपके पास हैंड वॉश है, कालगांव का सबसे बढ़िया दुकानदार है। बोले नहीं, हैंड वॉश नहीं है, मिल ही नहीं रहा। मैंने उसको बताया सर हैंड वॉश चाहिए, बोला चाहिए, बोला मेरे पास है। कितना पीस है? मेरे पास था 100 पीस, उसको बोला 50 पीस है। सारा का सारा प्रोडक्ट ले आके दिया। और 2 दिन के बाद फिर फोन करता है, सर और है क्या, दे दीजिए ना। विजेता वही कहलाता है जो विषम परिस्थिति में कमजोरी को जिन्होंने ताकत बनाया, वो दुनिया में कामयाब हो गया। अगर आपको कामयाब बनना है तो कमजोरी को कमजोरी मत समझो, उस कमजोरी को समझो आपकी ताकत है। और मैंने अपनी ताकत बनाया, आज मेरे पास सारा प्रोडक्ट अवेलेबल था, लोगों को दिया। मेरे दोस्तों, जितनी भी मैं आपको बात बता रहा हूं, कहीं से पढ़ लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं केवल अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो हर सूरत में अपनी दुकान पर फोकस करना पड़ेगा। लिख लो डायरी पर, नोट कर लो, अगर 100 व्यक्ति है तो 100 व्यक्ति के घर में अपनी दुकान होनी चाहिए। ज्वाइनिंग कराओ तो बताओ कि अपनी दुकान करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग कराओ तो बताओ उनको कि अपनी दुकान का ये फायदा है। नहीं समझ में आता, अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करो, अपनी दुकान है क्या, कैसे होता है, ये सारे फायदे अपनी दुकान का है। आप लगातार अपनी दुकान पर फोकस करो। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास केवल मात्र 20 लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जो के विनती करता हूं, जिनको भी आना हो बिल्कुल टाइम पर आवे, 3 बजे मैं लाइव आता हूं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, हमको रिसीव करने में परेशानी होती है, ऑडियो को बंद कर लें। दोस्तों, आगे की बात मैं कर रहा था कि आपके टीम में 20 लोग हैं, अगर 20 लोगों को अपनी दुकान आप खुलवाते हो 20,000 रुपया का, तो आप सोच के बताओ आपके टीम में 20,000 का 4 लाख रुपया का माल जाएगा। कैलकुलेशन करो, बिजनेसमैन जोड़ता है, जोड़ना सीखो। 20 व्यक्ति 20,000 करके 4 लाख का मिनिमम आपका बीबी लगभग 2.5 लाख का होगा। कितना का होगा? 2.5 लाख का। अगर आपका 2.5 लाख का होगा, अगर उसके नीचे 5 व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है और 5 व्यक्ति को भी अपने डाउनलाइन में अपनी दुकान खुलवाता है, 1 लाख रुपया का माल जाएगा, मिनिमम 60,000 का बिजनेस वैल्यूम होगा। अगर आप इस टारगेट को लेते हो और लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर
आपके साथ 100 व्यक्ति हो जाता है, कितना 100, और 100 में कितनों कम अगर 80 भी आरसीएम का अपनी दुकान आपने खोलवा दिया, मेरा मानिए आठ दुनी 16 लाख का बिजनेस होगा आपका, और कम से कम आपका बिजनेस वैल्यूम 12 लाख का होगा, और 12 लाख में आप तब तक टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। विचार करें, दर दर भटकने से अच्छा है, द्वार द्वार जाने से अच्छा है अपने टीम में अपनी दुकान का फोकस करो, अपने टीम में एक एक व्यक्ति को केवल एक ही चीज सिखाओ, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो कामयाबी का मंत्र का पहला चाबी है अपनी दुकान। कामयाबी का मंत्र का पहला चाबी है अपनी दुकान। कामयाबी के मंत्र का पहला चाबी क्या है? अपनी दुकान। अगर कामयाब होना चाहते हो, कुछ नहीं हो, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हर वक्त बोलता हूं, आप कितना पढ़े लिखे हो, काले हो गोरे हो क्या फर्क पड़ता है, अच्छे हो लंगड़े हो लुल्ले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके टीम में और आप प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में एक नंबर हो, और प्रोडक्ट को यूज करवाने में एक नंबर हो, और अपनी दुकान खोलवाने में एक नंबर हो, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, केवल आप ऐसा कर लोगे आप इस बिजनेस के टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर सब बन जाओगे। दोस्तों मैं ज्यादा जानने और पहचानने की कोई बात नहीं करता, केवल एक ही बात करता, क्योंकि आरसीएम हो दुनिया की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आरसीएम में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिजनेस वैल्यूम चाहिए। एजुकेशन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बिजनेस वैल्यूम चाहिए। एक लंगड़ा व्यक्ति के नीचे अगर 5 लाख 5 लाख ए और बी में होता है तो वो टेक्निकल अचीवर होगा, कोई डिग्री कंपनी नहीं पूछती, वो एक ही बात बताता है कि खंभा हो दीवाल हो जिसके नाम से आईडी है उसके नीचे अगर 5-5 लाख का बिजनेस है तो वो टेक्निकल अचीवर होता है। दोस्तों मेरा मानिए, सेल पर टाइम दीजिए, अपनी दुकान जब होगा आप सेल करना सीखोगे, अपनी दुकान होगा तो सेल करना सीखोगे, और अपनी दुकान होगा तो लोग अगल बगल में लोग ले जाएंगे। लेकिन आपको बताता हूं, किसी व्यक्ति को अगर शर्म आता है सेल करने में, सेल पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, कई बार बोल चुका हूं, सेल ही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। अगर दुनिया में कोई अमीर बना है तो सेल करके बना है। कैसे बताऊं, एक साग वाली साग बेचती है तो पैसा आता है, एक सब्जी वाली सब्जी बेचता है पैसा आता है, एक अनाज बेचने वाला अनाज बेचता है तो पैसा आता है, एक मजदूर अपना टाइम बेचता है तो पैसा आता है, एक बड़े बड़े पैसा उद्योगपति अपने मार्केट में सामान को बेचता है तो पैसा आता है, धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी सिम और रिचार्ज बेचता है तो पैसा आता है। दुनिया में हर वो व्यक्ति अमीर बन सकता है, वो टाइम बेचे, समय को बेचता है, सामान को बेचता है, चाहे वो जो भी बेचता है बेचने के लिए सीखता है, वही व्यक्ति दुनिया का अमीर बनता है। और आरसीएम बिजनेस बोलता है आपको भी सेल्समैन बनना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाला आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर पैदा करना है। दोस्तों सेल पर ही पूरा खेल है। मैंने ठान लिया है, दुनिया क्या कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, कौन क्या कर रहा है कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे इस चैनल में या मेरे साथ कांटेक्ट में रहेगा, मैं अपने दिलो जान से कहता हूं सब कुछ न्यावछावर करने के लिए तैयार हूं, उसको कामयाब बना के रहूंगा। यह वक्त है अपने को बदलने का। मैं आपको नहीं बदल सकता, मैं खुद अपने को चेंज कर रहा हूं। मुझे दुनिया में क्या करना चाहिए मैं अपने को चेंज कर रहा हूं। मैं किसी का कोई सिकवा सिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। जो काम करेगा ईमानदारी से और जिम्मेदारी से मैं उसके साथ खड़ा हूं। याद रखिए, संस्कार जो होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का अपना एक संस्कार एक मॉरल होता है साहब। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन के साथ संस्कारी नहीं बन सकता है, जो अपने डाउनलाइन के संस्कारी नहीं बन सकता है, जो लाइफ लाइन बोलते हैं हम, जो अपने आप को संस्कारी नहीं बना सकता है, जो अपने माता पिता के सामने संस्कारी नहीं दिख सकता है, जो अपने मां के सामने और पिताजी के सामने संस्कारी नहीं दिख सकता है, जो अपने समाज के सामने संस्कारी नहीं दिख सकता है, मैं आपको बताता हूं वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता है।